दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल रजा इंटीरियर में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ पीवीसी सीलिंग का जाल जो है वो किस तरीके से बांधा जाता है। एक डिज़ाइन आपको दिखाऊंगा लास्ट में वीडियो में कि इस डिज़ाइन का ये हमने जाल जो है वो बांधा है। और पहले इस जाल की जो आप यहाँ पर अभी जाल बांधा देखेंगे, अभी ये फिलहाल 15x13 का मैं रूम दिखा रहा हूँ। यहाँ पर फैन भी आप देख सकते हैं, इस फैन को हटा करके बिल्कुल सेंटर किया जाएगा और पूरा मैं आपको शुरू से आखिर तक बताऊँगा कि हमने इस पूरे रूम में जाल जो है वो कैसे बांधा है। तो अभी यहाँ पर आप इस रूम को जो है वो फ्री देख रहे हैं। कुछ अभी यहाँ पर मैं आपको पूरा जाल का भी मैं पूरा तरीका बताऊंगा किस तरीके से हमने जाल को जो है वो इंस्टॉल किया है। तो ये हमारा 15x13 का रूम है जिसमें एक तरफ जो है हमारी कपबोर्ड बनी हुई है और इस पूरे मतलब रूम को हमने कैसे डिज़ाइन करना है वो सारा कुछ आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, चारों तरफ हमने ये 12x12 इंच का जो है बॉर्डर लिया है जिसमें हमारे 15 इंच के पैनल आने हैं। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने चारों तरफ का बॉर्डर आपको दिखा रहा हूँ। तो इसको जो ये हमारा दोस्तों रूम था, इसको ये थोड़ा टेपर में था तो इसको बिल्कुल एग्जिट करने के लिए यहाँ पर एक तरफ हमने थोड़ा बॉर्डर को थोड़ा बदल लिया है, बाकी चारों तरफ हमने 15x15 इंच 12x12 इंच का जो है जाल यहाँ पर बांधा है। और इसको सीलिंग से 4 इंच जो है वो डाउन किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे जो पैरामीटर लगा हुआ है वो 4 इंच पर लगा हुआ है, क्योंकि जो हमारी कपबोर्ड थी तो उसके ऊपर जो मत्था लगा हुआ था उसमें केवल 4 इंच की जगह बची हुई थी। अब यहाँ पर जो वाइट वाला बीच वाला एरिया आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको अप किया जाएगा, यानी इसमें हमारे अप वाले पैनल जो है वो लगेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में अभी देख रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें हमारे 29 इंच के जो पैनल आएंगे बीच, मतलब जो बीच में जगह बची हुई है। उसके बाद में जो बीच में पैरामीटर आप देख रहे हैं, बिल्कुल सेंटर में जो पैरामीटर देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो हमारा पूरा जाल बंधा हुआ है बीच वाला, तो ये हमारा 5x7 का बना हुआ है, यानी आपका 84x60 इंच का हमारा ये जाल जो है वो बना हुआ है। और इसमें हमने अलग कलर के पैनल जो है वो इंस्टॉल करने हैं। बीच में जो वाइट जगह आपको यहाँ पर दिख रही है साइडों में, तो इसमें अलग कलर के पैनल इंस्टॉल होंगे और जो आपका बॉर्डर आएगा वो सेम एज जैसा बीच वाला आपका डिज़ाइन है, सेम वैसा ही आपका बॉर्डर भी यहाँ पर आएगा। और इसको देखिए, आपको फ़ैन को सेंटर में करने के लिए हमने जो यहाँ पर निशान लगाए हुए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं फ़ैन का एरिया आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल फ़ैन को सेंटर करने के लिए यहाँ पर हमने सूत लगाया है और उसके बीच में यहाँ पर आपका जो फासनर है दोस्तों, फासनर आ जाएगा। सपोर्ट वगैरह भी पूरी प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा वर्क जो होता है वो बिल्कुल एकदम मजबूती वाला वर्क जो है वो होता है, बिल्कुल प्रीमियम टाइप का हम जो है वो वर्क करते हैं दोस्तों। हमारे वर्क में कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने काम में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर पीवीसी सीलिंग का जाल बांध रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट लगाएं। दोस्तों ये हमारा वर्क जो है वो आपको कैसा लगा, इसका पूरा डिज़ाइन का वीडियो भी बहुत जल्द लाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।